दोस्तों, वो घड़ी, वो पल, वो समय आ चुका है जिसमें कंपटीशन कम्युनिटी प्रारंभिक परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए अपने YouTube लाइव चैनल के माध्यम से आप तक जुड़ेगा, जिसमें मैं अनिकेत देवांगन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा भारतीय भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट, जिसमें हम वर्तमान के पेपर पैटर्न को देखते हुए ये हमने पाया है कि भारतीय भूगोल से काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैक्सिमम जो क्वेश्चन अपने को देखने के लिए मिल रहे हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान से हमें देखने के लिए मिला हुआ है। तो वर्तमान पैटर्न को समझते हुए ये जो कक्षाएँ आप लोगों की संचालित होगी, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी से लेकर फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल, वो सारे एरिया को हम कवर करने की कोशिश करेंगे जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होंगी। इसके अलावा वर्तमान में जैसे पूरा विश्व रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे काम कर रहा है तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। तो देखेंगे कि वर्तमान में इंडिया इस रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कहाँ कहाँ काम कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद में ये सब्जेक्ट खत्म करने के बाद में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर आएंगे। तो जैसा कि ब्रिटेन को पछाड़ के हम विश्व में 5वीं नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तो पूरा देश इसके पीछे कहीं ना कहीं योगदान रखता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यह अर्थव्यवस्था है क्या, यह अर्थव्यवस्था का संचालन कैसा होता है और कैसे हमारे देश के लोग और प्रत्येक नागरिक इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था का कहाँ पे स्टैंड कर रही है। इसके अलावा हम इस सब्जेक्ट में ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए कौन कौन सी बारीकियों को हमें समझना होगा, वो कौन कौन सी गतिविधि है, आर्थिक गतिविधि, जिसको सही ढंग से ना चलाने पर एक इम्बैलेंस की स्थिति बन सकती है, जिसको आप लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे कि मुद्रास्फीति आया या फिर हम लोग डिसइन्फ्लेशन की बात यहाँ पर करते हैं। तो इन सारे पहलुओं को समझते हुए फिर हम देखेंगे कि कैसे RBI मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन करेगी और अगर वो फेल होती है तो कैसे गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इसको सुधारने का काम करती है और व्यवस्थित ढंग से काम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाती है और उस धन को योजनाओं के माध्यम से आप तक पहुंचाती है। तो इस पूरे सेशन के दौरान हम नवीनतम डेटा, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम इस सेशन के दौरान इसमें समाहित करने वाले हैं, तो जिसके लिए बने रहिएगा आप कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए आगे छत्तीसगढ़ के सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको समझने के लिए आगे हम जुड़ते हैं यशवंत सर से। थैंक यू सर। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अर्थात छत्तीसगढ़, जिसके आधार पर ही हमारे आयोग का नामकरण हुआ है, यह एक विषय है जिसके अंतर्गत हमें छत्तीसगढ़ का भूगोल, इतिहास, पंचायती राज, प्रशासन, जनजाति, कला संस्कृति एवं इकोनॉमी सर्वे के संबंध में चर्चा करना होता है। तो इस कड़ी में मैं यशवंत सिंह राजपूत आपके समक्ष छत्तीसगढ़ का इतिहास, प्रशासन, पंचायती राज एवं छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट 2021 लेकर आऊँगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 50 क्वेश्चन CGPSC में हमारे समक्ष रहते हैं छत्तीसगढ़ से, उसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास से प्रतिवर्ष एवरेज 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर बात करेंगे पंचायती राज का तो एवरेज 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट, जिसका वेटेज प्रतिवर्ष बढ़ते जा रहा है, तो इससे भी एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इतिहास में जिसे अपन 3 सेगमेंट में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, सेम हमारा जो पंचायती राज है, ग्रामीण निकाय, नगरीय निकाय, सेम जो हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2021 जिसमें हमें प्राकृतिक संसाधनों के बारे में चर्चा करना है, जिसके अंतर्गत हमें खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, सिंचाई, कृषि, उद्योग, इसके बारे में चर्चा करना है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का बजट 2022, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 GDP के बारे में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की शिक्षा, छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो स्थिति है, इसकी सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो आपसे ये निवेदन है कि अधिक से अधिक हमसे जुड़िए और 21 सितंबर से हमारी सेवाओं का लाभ लीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जानकारी सभी तक पहुँचते रहे। इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए चलो मिलते हैं हम कमलेश सर से, अब वो आपको भारतीय इतिहास, कला संस्कृति की बारीकियों के बारे में समझाएंगे। थैंक यू यशवंत सर। जैसा कि कंपटीशन कम्युनिटी के द्वारा इस साल भी छात्रहित में ध्यान रखते हुए 21 सितंबर से फ्री YouTube लाइव कोर्सेज चालू की गई हैं और इस जो कोर्स जो
चालू होने वाला है उसके बारे में सर लोगों ने भी आपको जानकारी दी है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जो सब्जेक्ट लेने वाला हूँ वह है भारतीय कला संस्कृति। भारतीय कला संस्कृति के हर साल आपको 6 से 7 प्रश्न देखने को मिलते हैं और इन 6 से 7 प्रश्नों का जो वेटेज भी है करीबन आपका 12 से 14 मार्क्स आपके एग्जाम में बनते हैं। इसी कारण से यह भारतीय संस्कृति भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इतिहास तो पढ़ते ही हैं बट इतिहास में जब देखेंगे आप पाषाण काल से लेकर जब आप मध्यकाल तक जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे क्रमिक एक विकास आपको मिलेगा। अगर बात करें चित्रकला की तो आप देखेंगे कि एक शैल चित्रकला की शुरुआत कहीं ना कहीं आदि मानव के द्वारा करी जा चुकी थी और मध्यकाल के आते तक आप उस चित्रकला को भी बढ़ते हुए देखेंगे। और वही गुप्तकला की बात करें तो गुप्तकाल में आपको मंदिर स्थापत्य का मिलेगा और मध्यकाल में जाएंगे तो आप ताजमहल जैसा स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना आप देखेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को बारीकियों से समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के चैनल में, साथ ही साथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।